हेलो दोस्तों, गेन न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें कई देश मिलकर काम करते हैं, इसलिए वहाँ मेनली 5 स्पेस एजेंसीज इन्वॉल्व है, नासा, रॉसकॉस्मोस, जैक्सा, ईएसए एवं सीएसए। इनमें से रॉसकॉस्मोस एक महत्वपूर्ण पार्टनर है। यूएसएसआर के जमाने से रशिया स्पेस स्टेशन के इम्पोर्ट मॉड्यूल्स और स्पेसक्राफ्ट बनाते आ रहा है, तो इनमें से ही एक इम्पोर्टेंट मॉड्यूल था पीर्स। 2001 से 2021 तक करीब 20 साल का सफर तय करने के बाद इसे अनडॉक किया गया। यूएसएसआर के जमाने से रशिया स्पेस स्टेशंस के इम्पोर्टेंट मॉड्यूल्स और स्पेसक्राफ्ट्स बनाते आ रहा है, तो इनमें से ही एक इम्पोर्टेंट मॉड्यूल था पीर्स। 2001 से 2021 तक करीब 20 साल का सफर तय करने के बाद इसे अनडॉक किया गया और इसके जगह डॉक किया गया अत्याधुनिक नाओका को, जिसको मल्टीपर्पस लेबोरेटरी मॉड्यूल या फिर इन शॉर्ट में MLM बोला जाता है। नाओका रॉसकॉस्मोस के द्वारा बनाया गया मॉड्यूल है, जिसको 21 जुलाई 2021 में बाइकोनूर कॉस्मोड्रोम से प्रोटोन एम रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया। प्रोटोन एम रॉकेट रशिया का सबसे पावरफुल रॉकेट में से एक है। उसके ठीक 8 दिन बाद 29 जुलाई 2021 को नाओका को जबेजदा के नदीर पोर्ट में डॉक किया गया। नाओका का टोटल मास ऑर्बिट में 20,357 किलोग्राम है और इसकी लंबाई 13.12 मीटर एवं चौड़ाई करीब 30 मीटर है। इसमें हैबिटेबल यानी रहने योग्य वॉल्यूम 70 मीटर क्यूब है। नाओका मॉड्यूल 4.25 मीटर डायमीटर का है। जबेजदा में डॉक होने के बाद केबल कनेक्शंस, स्टेशन का टॉयलेट और एनवायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम इंस्टॉलेशंस और साथ में जाने वाले यूरोपियन रोबोटिक आर्म को सही जगह पे इंस्टॉल करके उसका फंक्शनल करना, ये सब वहाँ रहने वाले एस्ट्रोनॉट का दायित्व है, क्योंकि ये रोबोटिक आर्म के द्वारा राजभेद से रेडिएटर और एयरलॉक को नाओका तक ले आया जाएगा। नाओका को फ्यूचर में रशियन ऑर्बिटल सेगमेंट के प्राइमरी लेबोरेटरी के रूप में कारगर किया जाएगा। फिलहाल नाओका को जबेजदा के नदीर पोर्ट में डॉक किया गया है, लेकिन ओरिजिनली इसे प्रीचल नाम से बना नोडल मॉड्यूल प्रीचल के साथ अटैच किया जाएगा। उसके बाद ही नाओका अपना काम स्टार्ट कर पाएगा, लेकिन नाओका का प्रोडक्शन और उसके बाद जबेजदा के साथ डॉकिंग तक का सफर इतना आसान नहीं था। 1990 से उसके ऊपर काम चल रहा था और फिर एटलास 2021 में इसे लॉन्च किया गया। हालांकि डॉकिंग के समय थोड़ा टेक्निकल समस्या आया था, परंतु डॉकिंग के कुछ समय बाद टेक्निकल ग्लिच के कारण नाओका से थ्रस्टर्स फायर्ड होने लगा। इसके कारण इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में इमरजेंसी तक घोषणा करना पड़ा। बाद में 44 मिनट बीतने के बाद नाओका का इंजन बंद किया गया, मगर इसके कारण बोइंग ऑर्बिटल फ्लाइट टेस्ट 2 का लॉन्च डिले हो गया। मगर राहत की बात यह रही कि स्पेस स्टेशन के सभी क्रू मेंबर्स सही सलामत थे और फ्यूचर में अभी भी 11 स्पेस वॉक्स और लंबे परीक्षण के बाद ही नाओका सही तरीके से अपना काम कर पाएगा, जिसमें यूरोपियन रोबोटिक आर्म का एक इम्पोर्टेंट रोल रहेगा। तो दोस्तों, नाओका का ये सफर आपको कैसा लगा, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।